जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे जी तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेशन वन नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर और आज का टॉपिक जो है दैट इज़ ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री इन्वर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम तो इस नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली समझने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम बेसिकली एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे कि इन्वर्टिप्रेड्स में नर्वस सिस्टम को लेकर आखिर एवोल्यूशनरी फाइव ट्रेंड्स क्रिएट हुए वो मैं आपको वन बाय वन जो है वो बताऊंगा आज की डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट बातें हम सिंपल लेवल से शुरू करेंगे और कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे इन्वर्टिप्रेड्स में इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वर्टिप्रेड्स के ऊपर बात करूंगा और प्रॉपर्ली आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर वर्टिब्रेट्स में सेंसरी सिस्टम कैसे डेवलप हुआ डीडियल स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपकी बुक के तमाम लिंक्स मौजूद हैं टॉपिक्स के लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं नोट्स को डाउनलोड करने के लिए और मजीद वीडियोस को देखने के लिए या वीडियो को एंड तक ले जाएं आपको आखिर में जो है थंबनेल्स नज़र आएंगे दाएं बाएं तब भी आप नेक्स्ट वीडियोज़ को प्रोसीड कर सकते हैं तो डिफ्रेंस अगर हम बात करें आज के लेक्चर की तो वो है बेसिकली इन्वर्टिब्रेड्स के अंदर नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि शुरू में कैसा होता रहा जैसे कि आपको पता है एट द वेरी बिगनिंग सिंगल सेलुलर स्टेज हुआ करती थी एनिमल जो थे वो सिंगल सेलुलरली रहा करते थे मतलब मल्टी सेलुलर की जो है अभी हम बात नहीं करेंगे हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर सिंगल सेल जो थे वो सर्वाइव करते थे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजन सेल्स या फिर स्पॉन्ज के सेल्स ये सिंगल हैंडली सर्वाइव करते थे इन साइड वाटर मेरेन एन्वायरमेंट और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स तो डी याद रखिएगा कि जो सेल है वो रिस्पॉन्स करता है स्टिमुल को जैसे कोई भी सेल हो लेट वी हैव सेल अब बाहर कोई भी अगर दैट के हम लेट्स ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम Okay. So there we have some अब यह एक पैरामिशियम सेल है एक प्रोटोजन है अब इसने बाहर के स्टिमुलस को जो है वो रिस्पांस करना है कुछ भी स्टिमुलस हो सकता है केमिकल का स्टिमुलस हो सकता है लाइट का स्टिमुलस हो सकता है या कोई टच का स्टिमुलस हो सकता है एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस एंड आई होप कि आपको स्टिमुलस का पता होगा कि ये एक आउटसाइड द एनवायरनमेंट एक रिस्पांस है तो होता यह है कि जो स्टिमुलाई होता है एंड रिलेट इन्फॉर्मेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी कि ये बाहर के हिस्से को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टिमुलस और ये बाहर का हिस्सा फिर इंटरनल जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है सेल का इसको भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यानी हर सेल सिंगल हैंडली अपने आस पास के इन्वामेंट को समझ रहा होता है जान रहा होता है उसे स्टेमल्स ले रहा होता है अब जैसे हम देखें कि आ, अब रियल नर्वस सिस्टम तो सिंगल सेल्स में नहीं होता ना सिंह देर इज नथिंग लाइक अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम इन साइड अ सिंगल सेल तो जिसमें मैं आपको भी थोड़ी देर पहले प्रोटोजन और स्पॉन्जेस की बात कर रहा हूँ तो कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमलाय टू अकर लेकिन हमने ये देखा है कि ये जो इंटरनल भी कुछ स्टिमलाइज पैदा हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से या इंटरनल कुछ रिएक्शन हो सकते हैं जो कि बाहर की इन्वायरमेंट को भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं जैसे मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूं रेगुलर बीटिंग ऑफ दोटोजून सीलिया यानी कि ये जो बाहर आपको सीलिया की एक यू you नो know, एक पूरी रिदमिक मूवमेंट होती है इस रिदमिक मूवमेंट जो है सीलिया की इसको आप स्टडी कर सकते हैं या फिर आप कह लें कि जो फ्लैजिलेट्स हैं रिक्वायर इंट्रासेलर कोऑर्डिनेशन फॉर द लाइट इंटेंसिटी टू रिस्पॉन्ड यानी कि अगर हमारे पास कोई आ, ऐसा जानदार है जिसका फ्लैजला है let's say that we have a yuglina, right? And उसका है फ्लैजला है तो इसका फ्लैजला जो है वो रिस्पॉन्स करेगा इंटरनली कोऑर्डिनेट करके लाइट को यानी इंटरनल कुछ अक्रिंग्स होंगी और वो बाहर से लाइट को रिस्पॉन्स करेगा ये इंटरनल स्टिमुला है बाहर से कुछ चेंजिंग्स आएंगी तो सीलिया बीट करके एक्सटर्नल स्ट्रिमलाय को जो है वो रिस्पॉन्स करेगा यानी इन दोनों बातों में आप समझ सकते हैं कि देर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रीमलाय रिस्पॉन्स या कह लें नर्वस रिस्पॉन्स एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल यानी सेल के अंदर सेल के बाहर जो है रिस्पॉन्स क्रिएट हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स अगली बात अगर मैं आपसे करूं तो मैं ये करूंगा कि ऐसे जानदार जिन्होंने यू नो अचीव कर ली है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ये मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ाया कि डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म लेयर्स जो हैं उनके साथ यू नो ग्रो करते हैं इवॉल्व होते हैं और ट्रिपलो प्लास्टिक एनिमल्स इनकी तीन जर्म लेयर्स होती हैं सो एपिडम एंड एंडोडर्म इसके अलावा दे हैव एपिडर्म एंडम एंड एक्टोडर्म और एंडोडर्म कह लें इसको एपीडम की जगह एक्टोडर्म और एंडोडर्म कह लें और इसके अंदर थ्री जर्म लेयर्स होती हैं यानी ऐसे जानदार जिनमें दो जर्म लेयर्स हैं दे आर बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक और जिनमें आपको मिलेंगी तीन जर्म लेयर्स तो दे आर बेसिकली ट्रिप्लो द एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड द दीजोडम इसमें एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डिप्लो एंड टिप्लो प्लास्टिक मल्टी सोलर जानदार अब ये जानदार जो हैं बेसिकली यू कैन से के दे आर दी ट्रू काइंड ऑफ बॉडीज जिसमें नर्वस सिस्टम्स डेवलप हुए यानी कि ये वो जानदार हैं जिनमें ज़बरदस्त नर्वस सिस्टम्स जो थे वो डेवलप हुए और डेफिनेटली uh, अब इस बात से तो जाहिर है अगर हम मल्टी सेलोर जानदारों की बात कर रहे हैं जो कि ट्रिपलो ब्लास्ट हैं या डिप्लो ब्लास्ट हैं तो वो प्रोटोजों और स्पॉन्ज़ तो नहीं है ये तो सिम्पल सेलोलर जानदार हैं तो एनिमल्स दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स देन स्पॉन्जेस अ जर्नल एवोल्यूशनरी ट्रेंड इन नर्वस ऑर्गेनाइजेशन तो ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम जर्नल एवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में सीखेंगे फाइव जर्नल एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम में आए तो अभी पहला ट्रेंड जो है मैं आपको थोड़ी देर के बाद रिवील कर दूंगा तो स्टूडेंट्स एक बात मैं और शेयर करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स एनिमल जो हैं उनके अंदर एक डिटेल्ड नर्वस सिस्टम जो है वो देखा गया है तो ये तो अगली बात है जो हम इनवर्टिब्रेड से जब वर्टिब्रेड में जाएंगे तो आपसे ये बात शेयर करेंगे कि जानदार जिनमें कॉम्प्लेक्स जो है आ, नर्वस सिस्टम मौजूद है वो तो वर्टिब्रेड्स हैं लेकिन इनवर्टिब्रेड्स में भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें नाइडेरियंस की जिनमें हाइड्रा जैलीफिश और सी एनिज जैसे जानदार आ जाते हैं तो इनके अंदर हमने देखा है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है एक नेट लाइक है इनके अंदर एक नर्व नेट मौजूद होता है जैसे मैं हाइड्रा के अंदर अभी आपको दिखा देता हूँ और इसके अलावा मैं प्लेटिहलमेंथिस के अंदर आपको दिखाता हूँ बल्कि अभी हाइड्रा आप देख लें जैसे ये मेरे पास पेपर है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये हाइड्रा है और इट डू हैव अ काइंड ऑफ अ नर्व नेट इन साइड इट गोइंग ऑन और ये नर्व नेट जो है इसको क्या करता है कि इसकी आउटसाइड ऑफ द बॉडी सेल्स को इनसाइड ऑफ द बॉडी सेल्स से इंटरकनेक्ट कर रहा है यानी कि इसके अंदर ये ऐसे सेल्स डिवेलप हो चुके हुए हैं जो कि बाहर से इंफॉर्मेशन ला के इंटरनल सेल्स को दे रहे हैं तो एक किस्म का कह लेंगे डिवेलपमेंट हो चुकी हुई है हाइड्रा में नर्व नेट की यानी कि एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि कोऑर्डिनेट करेगा और बताएगा अबाउट दी अबाउट दी स्टिमुलस जो कि क्रिएट हो रहा है आउटसाइड बॉडी और वो जा कहाँ पर जा रहा है इनसाइड बॉडी जी जो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे अब अगली बात करूं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि जो नर्व नेट्स होते हैं इफ़ आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट नर्व नेट्स अब हमने सीखा कि जो नाइडेरियंस हैं जिनमें जैली फिश हैं और हाइड्रा है और सी अनिज हैं या इवन अकाइनोडर्म्स हैं तो ये एक अनदर लेवल ऑफ यू नो जानदार हैंनोडर्म्स तो इनके अंदर जो है हमने देखा है कि जो इम्पल्स कंडक्शन है ये बाई डायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल का मतलब हो, होता है लेट्स से दैट कि वी हैव अ काइंड ऑफ अ न्यूरॉन दिज आर डेंड राइट्स एक्स सेल बॉडी तो इनमें जो uh, कह लें कि जो नर्व इम्पल्स है वो ना सिर्फ इस सिर्फ जा रही है बल्कि इट इज मूविंग अलॉन्ग दी अदर साइड एज वेल यूनी डायरेक्शनल नहीं है दोनों अतराफ में मूव कर सकती है सो बाई डायरेक्शनल नर्व इम्पल्स मौजूद होती हैं नव नेट्स के अंदर ठीक है so, सो अगर हम लेट से दैट नाइडेरियंस की बात करें तो इनमें तो अभी ब्रेन भी डिवेलप नहीं हुआ इनमें तो लोकल क्लस्टर्स ऑफ न्यूरोस भी डिवेल्प नहीं हुए यानी कि गेंगलियनस वग़ैरह नर्व्स वग़ैरह ये डिवेल्प नहीं हुई इनके अंदर इनके अंदर अभी जितने भी न्यूरो है, रह हैं अलग अलहदा रह रही हैं दे आर लिविंग सेपरेटली एक नेट की तरह जिस तरह आप देखते हैं कि आपके पास मुख्तलफ जाला है तो जाले में जो है जो तारे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ नर्व नेट तो, तो इनस्टेड हम ये कह सकते हैं कि जो स्टिमुलस है जो कहीं से भी आ रहा है बॉडी में वो क्या करेगा कि एक नर्व इम्पल्स इनिशिएट करेगा और वो अक्रॉस द नर्व नेट जो है और डिफरेंट बॉडी रीजन्स में चली जाएगी जैसे वी हैव हाइड्रा और हाइड्रा में जो है आप कह लें कि Uh, जब भी यहाँ से जो है आप कह लो कि आएगा सिग्नल लट से यहाँ से आ गया तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देगा इट विल मूव लाइक अ नेट जैसे कि एक पूरे नेट की तरह जो है वो मूवमेंट होती है सो so, uh, इस तरह का इम्पल्स जो है वो नर्व नेट्स में पॉसिबल है उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैली की मूवमेंट्स की अगर वो स्लो स्विमिंग मूवमेंट्स दिखा रही हैं और uh, उनकी लट से दैट कि उनकी जो uh, कह लें कि बॉडी uh, right? uh, है राइट इट्स इट्स बीन मूविंग अप और आहिस्ता आहिस्ता अप साइड अप है यू नो कीपिंग राइट साइड अप है जो भी आपको ऊपर वाली नजर आ रही है वो साइड ऊपर ही रहे और इनकी स्लो मूवमेंट्स होती रहे सो दिस इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टिमुलस, ऑफ द नर्व इम्पल्स तो ये कह लें कि जेलीफिश में समहाओ इन्होंने मूवमेंट्स के लिए नर्व इम्पल्स का सहारा लिया और यहाँ पे स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए नाइडेरियंस में हाइड्रा ने नर्व इम्पल्स का सहारा लिया सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन दी इन दी नर्व इम्पल्सिस दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन दी नर्वस सिस्टम तो हम इस चीज़ को यहाँ पर सीख सकते हैं अब कानोडम्स की बात कर लेते हैं जी तो स्टूडेंट थोड़ा नर्व नेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स देखें नर्व नर्वनेट्स हमने देखा नाइडेरियंस के अंदर जो है वो फॉर्म हुए बने अब नर्व नेट हम में देखते हैं सी स्टार सी अर्चिन सी क्यू जिसमें सी स्टार की एग्जाम्पल को कोड करके समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स देखें नर्व नेट जो हैं जब आ, आप जाते हैं एवोल्यूशन में इनवर्टिट्स इन वर्टिट्स की तरफ तो फिर एवोल्यूशन में आप समझ लें कि ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं यानी कहने से मुराद है कि नर्व नेट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं जैसे लेट्स से दैट सी स्टार जो हैं उसके थ्री किस्म के डिस्टिंग नर्व नेट्स होते हैं यानी कि नर्व नेट तो उसमें सारा एक ही होता है लेकिन उन्होंने तीन डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लेक्स शेप्स ले ली हुई हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नर्व नेट की बात करें तो ये स्किन के बिल्कुल नीचे होता है लेट्स से देड कि मेरा हैंड एक सी स्टार है तो ये मेरी स्किन है स्किन के नीचे बिल्कुल एक नर्व नेट होगा और वह सर्क्यूमोरल रिंग्स रखेगा जैसे लेट्स से डेड आपको पता है कि सी स्टार जो है इज अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसके पाँच जो हैं वो फुट होते हैं फीट होते हैं ट्यूब फीट होते हैं तो इस तरह का एक ये जो रिंग है उसकी बॉडी पर लेट से दैट कि ये उसके uh, ट्यूब फीड्स हैं ठीक है और अब ये जो एक सर्कल सा एक समझ लें कि न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क पैदा हो गया उसके सी स्टार्स के डोरसल साइड पे दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ सर्क्यूमोरल रिंग्स यानी पहला जो नर्व नेट है वो सर्क्यूमोरल रिंग्स कहलाता है उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो तो दूसरा वाला है दैट uh, बेसिकली जो पहला वाला है उसमें हम एक और बात कर लेते हैं कि फाइव सेट्स ऑफ नर्व कर्ड्स रनिंग आउट टू द एनिमल्स आर्म यानी कि ये एक सर्कोमोरियल रिंग बना रहा है ठीक है सर्कोमोरियल रिंग के बाद जो है बाकी फिर कुछ कर्ड्स के तौर पे एक्सटेंड कर रहा है समझ रहे हैं सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ फर्स्ट किस्म का नर्व नेट उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे किस्म की तो यू कैन से जो मसल्स हैं और स्किन की प्लेट्स हैं उनके दरमियान कुछ ऑसिकल्स होते हैं ऑसिकल्स का लफ्जा आपने कानों की बोन्स के लिए सुना होगा लेकिन इसके भी कुछ ऑसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी लेट्स सी दैट मैं ये ट्यूब फीट आपके सामने बना रहा हूँ तो ये ट्यूब फीट है तो ट्यूब फीट के अंदर इस तरह का जो है समझ लें कि इसके मसल्स को कुछ एक नर्व नेट जो है वो क्या कर रहा है फैसिलिटेट कर रहा है सो दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर बेसिकली कॉल्ड दी ऑसिकल्स तो दूसरे किस्म का नर्व नेट जो है वो ऑसिकल्स कहलाता है और या सिकल नर्वनेट कहलाते हैं उसके बाद थर्ड किस्म का जो नर्वनेट है वो क्या करता है ट्यूब फीड को कनेक्ट करता है अब ट्यूब फीड को कनेक्ट करने से क्या होता है कि डिग्री ऑफ नर्वनेट कॉम्प्लेक्सिटी परमिट्स स्लो मोशन और फिर ये जो आ, आप कह लो कि जो स्टार फिश है जो सी स्टार है सॉरी ये क्या कर सकती है कि ये मूवमेंट शो कर सकती है ये तीसरे किस्म का जो नर्वनेट है उसको मूवमेंट में हेल्प करता है और मैं इसको कैसे एग्जाम्पलीफाई कर सकता हूँ द वराइटी ऑफ यूजफुल रिफ्लेक्स एंड सम डिग्री ऑफ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेन अ सी स्टार इज फ्लिप्ड ओवर इट कैन राइट इट सेल्फ ठीक है तो आपने देखा होगा सी स्टार है जब वो फ्लिप करती है तो वो इस तरह हो जाती है सो so मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ सो लुक एट दिस ओके okay, सो so आपने देखा कि कैसे जो है ये सी स्टार जो है ये फ्लिप कर गई है सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ फ्लिपिंग और इस तरीके से आप कह लो कि जो सी स्टार है इसके अंदर एक नर्व नेट की एवोल्यूशन हुई है सो so हम कह सकते हैं कि जो हमने पढ़ना है फाइव एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इनवर्टिड्स पहला ट्रेंड मैंने आपको बताया दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नर्व नेट्स नॉट ओनली इन नाइडेरियंस बट ऑल्सो इन दी अकानोडर्म्स तो स्टूडेंट ये इकानोडर्म का लफ्ज मैं आपको बता दूं डर्मास स्किन है और इकैनोमीन्स स्पाइन है यानी ऐसी स्किन ऐसी डर्म जिसके ऊपर स्पाइन हो वो अकाइनोडर्म्स में आ जाएंगे जिनमें सी स्टार्स के ऊपर भी आप देखिएगा स्पाइंस होते हैं उनकी स्किन के ऊपर सी अर्चन्स में भी ऐसा ही होता है और सी क्यूकम्बर्स में भी ऐसा ही होता है सो so, ये या आपको याद रहना चाहिए जी दो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे ऐसे जानदारों की जो कि फ्लैट वर्म्स कहलाएंगे या राउंड वर्म्स कहलाएंगे तो इनका जो सेंसरी सिस्टम है वो देखने को मिलेगा आपको कंसनट्रेट सेंसरे सिस्टम आपको जो है वो आगे देखने को मिलेगा लेट से दैट कि अगर आपको ये फ्लैटफॉर्म नज़र आ रहा है तो इसके जो फ्रंटल साइड है इसके ऊपर आपको ये नर्वस सिस्टम कंसनट्रेट सा नज़र आएगा इस तरह से ये राउंड वर्म है तो यहाँ पर आपको एट द वेरी यू नो साइड uh, जो कि आगे की फ्रंट साइड है यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम कंसनट्रेटेड सा नज़र आएगा और ये सेंसरी सिस्टम कंसंट्रेटेड इसलिए है क्योंकि uh, ये एनवायरनमेंट को एरिया पहले फ़ेस करता है इस तरह से एनवायरनमेंट को फ़ेस करने वाला यू नो न्यू एनवायरनमेंट को फ़ेस करने वाला एरिया जो है ये पहले आता है तो जो uh, हमने देखा जानदारों में कि जो एनवायरनमेंट को यू नो न्यू एनवायरनमेंट को फ़ेस करने वाला एरिया होता है वहाँ पे हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है वो कंसनट्रेट हो गया वहाँ पर तो अब यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा द वेरी सेकेंड ट्रेंड दिस इज़ नोन एज सेफलाइजेशन स्टूडेंट्स इस ट्रेंड को जो है हम सेफलाइजेशन का जो है वो नाम देंगे क्योंकि जहाँ पे न्यू uh, इन्वायरमेंट को फेस करने वाला हिस्सा नर्वस सिस्टम कंसनट्रेट हो जाए दैट इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड सेफलाइजेशन यानी कह लेंगे एक अमल एक ट्रेंड एक एवोलूशन यहाँ पर पैदा होता है क्योंकि वहाँ पे नर्वस सिस्टम को कंसनट्रेट होना पड़ता है तो हमने देखा ये ट्रेंड पैदा हुआ तकरीबन तमाम इनवर्टी ब्रेड्स में स्टूडेंट्स हमने फाइव एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के ऊपर जो है बहस करनी है इस टॉपिक में जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ अपनी वीडियो में कि यूनिवर्टी ब्रेड नर्वस सिस्टम में फाइव ट्रेंड्स जो है वो पैदा हुए सबसे पहले हम ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं कौन कौन से आगे ट्रेंड्स मज़दीद हम स्टडी करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर हम पाँच ट्रेंड्स की बात करें तो फर्स्ट एवोल्यूशनरी ट्रेंड देखा गया दैट वॉज दी डेवेलपमेंट ऑफ नर्व नेट जिनमें हाइड्रा आ जाते हैं जेली फिशेज आ जाती हैं सी एनामनीज आ जाते हैं है, हमने पढ़ा पहले इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड ट्रेंड की दैट इज सेफलाइजेशन और सेफलाइजेशन uh, क्या है बेसिकली कंसनट्रेशन ऑफ नर्वस टिश्यू है और रिसेप्टर सेल्स है टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी तो उसमें हम फ्लैटवर्म्स को देख रहे हैं जिनमें हम राउंड वर्म्स को देख रहे हैं फ्लैट वर्म में हमें प्लेनेरिया नज़र आ रहा है और uh, इसके अलावा राउंड वर्म में अर्थ वर्म नज़र आ रहे हैं तीसरा जो ट्रेंड है दैट इज़ दी बाइलेट्रल सिमेट्री बायोलेट्रल सिमेट्री का मतलब यह है कि हम जानदारों में एक और ख़ूबी देख पा रहे हैं जैसे कि अब आप देख सकते हैं अगर इसको मैं दो हिस्सों में हाफ कर दूं, तो इधर जिस तरह का नर्वस सिस्टम है वो इस साइड पे भी आपको नर्वस सिस्टम नज़र आ रहा है सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ बायोलेट्रल सिमेट्री कि दोनों तरफ इक्वल किस्म का नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है तो हमारा तीसरा ट्रेंड हो गया बाइोलेट्रल सिमेट्री सो नर्वनेट सेफलाइजेशन बायोलेट्रल सिमेट्री और स्टूडेंट्स चौथा जो ट्रेंड हमने देखा जानदारों में दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गेंगलिया अब गेंगलिया क्या है बेसिकली कह लें कि बहुत से एग्जॉन्स आपस में इकट्ठे रहते हैं और उनको मेम्ब्रेन कवर कर लेती है और एग्जॉन्स uh, का बहुत ज़्यादा इकट्ठा रहना दैट मेक्स दी जिस तरह बहुत सी तारे हैं और आपने उनको एक ही यू नो पैकिंग में कर दिया इकट्ठा दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ गेंग्लिया तो गेंगलियों का बनना भी जस्ट बिकॉज के बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स लेकर जानी होती है तो नर्व कर्ड्स का बनना गेंगलिया का बनना एग्जॉन्स का क्लस्टर हो जाना दैट वॉज दी फोर्थ ट्रेंड इन एवोल्यूशन ये देखा गया और ये सबसे ज़्यादा देखा गया हमने आर्थरोपोड्स में देखा आर्थरोपोड्स आपको पता है कि दे आर डिफरेंट टाइप जिसमें क्लास इंसेक्टा भी आती है जितने भी कीड़े मकोड़े हशरात हैं वो इसमें शामिल हैं और स्टूडेंट्स पाँचवा ट्रेंड जो देखा गया जो कि वर्टिब्रेट्स में भी डिवेलप हुआ तो दैट वॉज दी कंसनट्रेशन ऑफ इंटर न्यूरोस ऑन दी अपर साइड ऑफ़ द बॉडी इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी या ब्रेन कह लें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना इन्वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम्स में इंक्रीज़ हो जाना नंबर ऑफ़ इंटर न्यूरोन्स का तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड ब्रेन की शक्ल इख्तियार कर गया सो ये देखा गया पाँचवा ट्रेंड तो ये पाँच ट्रेंड्स मिलकर जो हैं Uh, एक एवोल्यूशन क्रिएट किया ऑफ़ द नर्वस सिस्टम सबसे पहले क्या होता था नर्व नेट्स होते थे फिर सेफलाइजेशन होना शुरू हो गई उसके बाद, बाद भी क्रिएट हुई एट एट द फोर्थ पॉइंट कुछ नर्व कर्ड्स पैदा होने शुरू हो गए एंड एंड द लास्ट इंटर न्यूरोस का इजाफा होना शुरू हो गया सो दैट वॉज काइंड ऑफ फिनमिना विच वॉज सीन इनसाइड द डिफरेंट एनिमल ऑन दिस प्लानेट अब यहाँ पे सोच मैं आपको दो बातें समझाता हूँ कि आखिर कैसे डेवलपमेंट हुई गेंगलिया की या नर्व कर्ड्स की तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँगा कि गेंगलिया और नर्व कर्ज़ दो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे जो नर्व हैं लेट्स से दैट के बहुत सी सेल बॉडीज़ जो हैं वो इकट्ठा रहना शुरू हो चुकी हुई हैं राइट दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ गेंगलिया और फिर इनके आपको यू नो बाट्रल सिमेट्री में नज़र आ रहा है कि इस साइड पर भी बहुत सी एग्जॉन्स और डेंड्राइट्स हैं लेट्स से दैट के वी हैव डेंड्राइड्स ऑल ओवर दिस और दैन वी हैव अ काइंड ऑफ गेंगलिया और यू नो सेल बॉडीज़ का क्लस्टर जो है वो uh, अभी मैं आपसे बोल रहा था एग्जॉन्स का क्लस्टर वो बेसिकली सेल बॉडीज़ का क्लस्टर है सेल so, बॉडीज़ का क्लस्टर जो है वो गेंगलिया के हिला रहा है और यू कैन सेट के uh, एक बॉडी से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो है एगजॉन्स जो हैं इन्फॉर्मेशन यू नो लेकर जा रहे हैं टूवर्ड्स दी गेंगलिया और डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेकर आ रही हैं लेट्स से दैट कि डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेकर आ रही हैं और देन वी हैव दी सेल बॉडीज़ और सेल बॉडीज़ को जो है वो प्रोसेस करके बाद में जो एग्जॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं सो दैट मेक्स अ काइंड ऑफ अ थिंग कि नर्व कर्स डिवेलप हुए विच इज़ अनदर फिनमिना और फिर आप कह लो कि घेंगलिया डिवेलप हुए सो दैट वॉज दी एवोल्यूशन नंबर थ्री जो मैंने आपको गाइड किया सिविलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि दीज आर दी साइट्स ठीक है सो दीज आर दी पेरीफ्री साइट्स और यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आके गेंगलियान की तरफ जाती है या गेंगलिया की तरफ जाती है एंड दीज गेंगलिया बेसिकली एक्ट एज अ रिसेप्टर काइंड ऑफ अ सेल्स इसको आप आई स्पॉट फॉर्मेशन भी कह सकते हो तो यहाँ पे जो है कुछ एक डेवलपमेंट हो गई हेड की सिविलाइजेशन हो गई और यू कैन से कि यहाँ पे स्पेसिकली सारी इंफॉर्मेशन आके इंटरप्रेट होती थी इकट्ठी होती थी और फिर आप ये कह सकते हो कि जो एग्जॉन्स हैं फिर वो इन्फॉमेसन लेके जाते थे और इसके जो मसल सेल्स होते थे दे आर सर्टन मर्टन मसल सेल्स या आप यहाँ पर कह लें हम वॉम्स की बात करें तो यहाँ गेंग्रिया में आकर जो है सारी इन्फॉर्मेशन इंटरप्रिट होती थी दैट इज सबरल गेंगरिया बेसिकली और फिर मसल्स को इन्फॉर्मेशन जाती है और वो मोटर न्यूरोस लेकर जाते हैं मतलब लेके आने वाले सेंसरी हैं फ्रॉम द पेरिफ्री इन्फॉमेसन इकट्ठी करते हैं एंड द केम टू वर्ड दफलाइजेशन सेंटर और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाले जो हैं दे आर दी मोटर न्यूरॉन्स और दैट्स ऑ मसल्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं डैट मेक्स एन आइडिया कि भाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है दैट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ अ सिस्टम जो कि कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक और हम बात कर सकते हैं कि आ, इस तरह के सिस्टम ने जो है हमें कैपेबल कर दिया यू नो बाइलेट्रल समिट्री जब हो गई ना तो दोनों यू नो साइड्स कह लें कि एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट होने लग गई कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्रिएट हो गया यानी कि सेंसरी सिस्टम क्रिएट हुआ फिर इंटर न्यूरॉन्स से ब्रेन सिस्टम क्रिएट हुआ फिर सेंसरी न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स को मैसेजेस देते थे फिर यू नो इंटर न्यूरोन से मोटर न्यूरॉन्स को मैसेजेस जाने लग गए टूवर्ड दी अफेक्टर्स जैसे कि मसल्स और फिर यू you नो know, कुछ हैपनिंग होने लगी यानी कि क्लाइंबिंग क्रॉलिंग फ्लाइंग एंड वॉकिंग जैसी चीज़ें जो है हमने देखी मुख्तु जानदारों में अब स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमें अब आपको डी डायग्राम में नज़र आ रहे हैं क्रस्टेशियंस सो दिस बेसिकली द क्रैब्स इसमें हमने कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी देखी ऑफ द नर्वस सिस्टम इसके अलावा अगर क्रस्टेशियंस के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं जैसे कि आपको एक अब ये ई में स्क्विड नज़र आ रहा है स्क्ड uh, जो है इसको आप कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ ऑफेलो राइट दे आर पोड्स और uh, ये जो मेरे पास एफ डायग्राम है इसमें आपको नज़र आ रहा है अबाउट द अबाउट दी नर्वस सिस्टम ऑफ ऑफ सी स्टार सी स्टार्स का मैं क्रॉसक्शन आपको दिखा रहा हूँ यानी जो आपने सी स्टार देखा है ना सी स्टार्स की यू नो देव अलाट ऑफ डिफरेंट पैर नुमा स्ट्रक्चर यू नो उसका क्रॉसक्शन अगर मैं कर लूँ तो इसमें आपको नज़र आ रहा है इसमें दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दैट इज़ दी हाइपो न्यूरल सिस्टम इसमें एक ये हाइपो न्यूरल सिस्टम जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है और इसके अलावा आप एक्टो न्यूरल सिस्टम भी देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्यूब फीट हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा एपिकल सिस्टम भी इसके अंदर हमने देखा डेवलप हुआ यानी कि बेसिकली दीज आर दी न्यू रॉन्स राइट दीज दीज स्ट्रक्चर दीज स्ट्रक्चर आर बेसिकली दी न्यू रोनल काइंड ऑफ थिंग्स और यहाँ पर भी न्यू रॉन्स हैं दे आर बेसिकली यू कैन से सेंसरी यू कैन से सेंसरी न्यूरो एक निचली सतह पर हैं एक्टो साइड पर हैं आउटर साइड पर हैं और एक हाइपो साइड पर हैं सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ न्यूरल सिस्टम इस तरह ही आप स्किड में देख सकते हैं कि एक जॉइंट नर्व फाइबर से जो है वो क्रिएट हो चुके हुए हैं और देर इज़ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अंडर डिवेलप ब्रेन यू कैन से और आइज़ क्रिएट हो चुकी हुई हैं सेंसरी ऑर्गन है ना ये आइज़ बेसिकली सेंसरी सेल्स हैं जो डिवेलप हुए हैं और uh, उसकी आर्म और उसकी नर्व नर्व भी डिवेलप हो चुकी है टेंटिकल्स डिवेल्प हो चुके हैं तो स्क्विड जो है काफ़ी डिवेलप कर चुका हुआ है नर्वस सिस्टम को लेकर बहरहाल क्रस्टिशियन्स uh, में हम uh, देख रहे हैं कि इसमें एक पैराफ्लोर नर्वस सिस्टम जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है और uh, इसके अलावा इसमें एक प्रिंसिपल गेंगलिया और विसरल कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो हमें uh, इसमें नज़र आ रहे हैं इसमें आप सेरेबुलर गेंगलियोन्स देख रहे हैं थोरेसिक गेंगलियोन्स देख रहे हैं यू you नो know, आगे भी गेंगलियन्स क्रिएट हो चुके हुए हैं एट द वेरी थोरेसिक साइड भी गेंग्लियस क्रिएट और इसके अलावा सरकम मो ई ईसोफेगल यानी सरकम ईसोफेगल कनेक्टिव टिश्यूज़ भी जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं सो so, अगर हम क्रस्टेशन uh, की बात करें सेगमेंटेड वर्म्स की बात करें या अर्थरोपोर्ट्स की बात करें दे हैव वेरी डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम तो अब हम पूरे वसूख से कह सकते हैं कि पहले नर्व नेट का डिवेलप होना सिर्फलाइजेशन का होना फिर बायोट्रल सीटरियाँ बनना फिर गेंगलिया का बन जाना नर्व कर्ट्स का बन जाना और फिर आखिर में इंटरन्यूरोस का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाना हमें इस बात की तरफ मतवज़ो करता है कि ये शुरू से सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था डेट वॉज बेसिकली अंड ऑफ अस्टम जो शुरू से पहले सिंपल था और बाद में फिर ये कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया सो so, हम कह सकते हैं कि एज एनिमल बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स सो डिड देर नर्वस सिस्टम तो अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द एवोल्यूशन और इसमें पांच हेडिंग्स लगाकर आप विद द सूटेबल एग्जांपल्स ये आंसर दे सकते हैं कि आखिर कि जो एनिमल्स हैं उसको कैसे डेवलपमेंट किया उसने इतना कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट तो आप इसको आंसर दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अगला लेक्चर सॉरी uh, ये था हमारा लेक्चर अब इसमें हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर की येस डैट इज़र्टिब्रेट नर्वस सिस्टम ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर टॉपिक होगा जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स ब्रेन और क्रेनियल नर्व्स और इवन यू नो द दटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स की डेवलपमेंट की बातें आपसे करेंगे सो स्टे ट्यून विद जीएस एकेडमी अकेडमी यूट्यूब चैनल और अभी मैंने आपको इन्वर्टिव नर्वस सिस्टम समझाया होप सो आपको क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहें अगर आपने वीडियोस देखनी है तो मैंने ये मिल हारले की प्लेलिस्ट बना रखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप कोई भी मेरा वीडियो देख सकते हो टॉपिक को समझ सकते हो सो दैट्स इट थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा दूसरों का भी इस चैनल का भी जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा